हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यसी क्रिएटिव कॉर्नर में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सलवार की स्टिचिंग सीखेंगे। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में सलवार की कटिंग शेयर की थी, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। पर मैं इस वीडियो में पूरी सलवार बनाना आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपके साथ में इसकी बेल्ट बनाना शेयर कर रही हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेज़र करेंगे कि हमारी जो इसकी चौड़ाई और लंबाई है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, इसको मैंने जब मेज़र किया तो ये मेरी जो लंबाई थी वो थोड़ा सा कम है, और ये पूरा कपड़ा 20 इंच है, और जबकि मुझे बेल्ट की 21.5 इंच की बनानी, तो हम इसमें थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना है। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये भी सीख जाएंगे कि आपको किस तरह से बेल्ट की चौड़ाई या लंबाई को बढ़ाना होता है। तो देखिए, मैंने इस तरह से सिंपल ही इसमें कपड़ा रखा है और इसे इसमें जोड़ दिया है। और इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी इसमें टफ नहीं, बहुत इजी तरीके से आप इस तरह से इसको सिल सकते हैं। और देखिए, सिलन करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे, और इसके बाद में हमें इसको इस तरह से खोलना है, और इसके जो कपड़ा उसको एक साइड पे रख के उसके ऊपर में मशीन चला देनी है। तो मशीन चला देने से बेनिफिट ये रहता है कि हमारा कपड़ा यहाँ से और भी मजबूत हो जाता है, और यहाँ से कभी इसकी सिलन खुलती नहीं है। तो देखिए, मैंने इस पर इस तरह से सिलन चला दिया, और ऊपर के एक्स्ट्रा धागे को मैं कट कर रही हूँ। अब इसके बाद में हम इस कपड़े को डबल करेंगे और इसका मेज़र करके देखेंगे कि अब हमारा कपड़ा कितना है। तो इसके ऊपर देखिए, हम इस तरह से इंची टेप रख के मेज़र करेंगे। अगर एक्स्ट्रा पार्ट ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए, मैंने 21.5 इंच पे मार्किंग कर ली है, और इस पर हमें सिलन चलानी है। इसको अब हम मशीन पे रखेंगे और इस तरह से सिंपल चलाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसे पक्का कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पक्का कर लिया है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा सिलन हम इसकी बड़ी रखेंगे, और फिर 2 इंच के बाद में हम इसकी सिलन एकदम महीन कर देंगे, और इस तरह से नीचे साइड में मिला के हम इसको पक्का कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारी बेल्ट की सिलन हो चुकी है, और इसके बाद में हम इसको यहाँ से साइड से फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इस तरह से हमें दोनों साइड से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसके ऊपर हमें मशीन चलानी है। तो देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, और आप इस तरह से इसके ऊपर मशीन चलाएंगे, और मशीन इसकी एकदम सीधी होनी चाहिए, सिलन सीधी आनी चाहिए। साइड साइड पर हमें सिलन चलानी है, और उसके बाद में चापा को उठा के घुमा लेंगे, और नीचे साइड में सिलन चलाएंगे, और नेक्स्ट उस पर दूसरी साइड जो है उसके ऊपर भी हमें वैसे ही सिलन चलानी है जैसे हमने पहले चलाई थी। सो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी जो बेल्ट की दोनों साइड की सिलन है ये कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए ये बेल्ट बन चुकी है। तो देखिए, इस तरह से आपको भी इसमें इस तरह सिलन करके कंप्लीट कर लेना है, और इसके बाद में फिर हमें इसे ऊपर साइड से फोल्ड करना है और इसका नेफा बनाना है। तो नेफा बनाने के लिए हम 1/2 इंच पहले फोल्ड करेंगे, और उसके बाद में जितनी हमने नेफा के लिए कपड़ा इसमें छोड़ा है उतना हमें फोल्ड कर देना है। तो सबसे पहले देखिए, इस पर इस तरह से हमें मशीन चला लेनी है, ये 1/2 इंच पर मशीन चला लेंगे, और आप अगर चाहें तो दोनों 1/2 इंच मोड़ कर और नेफा एक साथ बना सकते हैं, बट इस तरीके से करने से आपको बहुत ही आसानी रहती है और बनाने में काफ़ी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पूरी में मशीन चला ली है, एंड इसके बाद में फिर हमें इसमें नेफा के लिए कपड़ा मोड़ना है। तो इसमें पहले हम नाप के देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा मोड़ना है। तो देखिए, मुझे इस पर 8 इंच में कपड़ा चाहिए, तो इसमें देखिए मैंने नीचे से मेज़र किया है, तो इस तरह से 8 इंच पर मैंने पॉइंट कर लिया, और वहीं से हम कपड़ा मोड़ के इस पर सिलन करेंगे। और बेल्ट मुझे 7.5 इंच चाहिए, 1/2 इंच मैंने इसमें ऐड इसलिए कर लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 1/2 इंच जो होता है वो नीचे सिलने में चला जाता है। तो इस तरह से आप पूरे में मशीन चला लीजिए, और आपकी बेल्ट बनके कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को बना के कंप्लीट कर लिया है, और अब ये हमारी सलवार में अटैच करने के लिए एकदम रेडी है। और इसको देखिए एक बार आप फिर से मेज़र कर लीजिए। तो देखिए, मैंने इसको मेज़र कर लिया इंची टेप से, तो इसकी लंबाई मुझे चाहिए थी 21.5 इंच, तो वो भी परफेक्ट है। और बेल्ट हमने चौड़ाई में 8 इंच चाहिए, 7.5 इंच में चाहिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने वो भी कर लिया। और इस तरह से अब आप लास्ट में इसको बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर निकालने के लिए कपड़े को बीचों बीच से मोड़ेंगे, और जहाँ पर लास्ट आ रहा है वहाँ पर एक छोटा सा कट कर लेंगे। और ये कट हमने क्यों किया ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको बेल्ट बनाना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, और आगे की सलवार हम कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।